श्री राम, वेलकम टू आवर फोरुखी व्लॉग। देख सकते हैं मैं हूं दशहरा मैदान में। जैसा कि जानते हैं कि विजयदशमी का पर्व काफ़ी खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। जीत पर जो हासिल होती है, विजय की जो जीत होती है दोस्तों, सच्चाई की जो जीत होती है, उस पर एक पर्व जो मनाया जाता है विजयदशमी का पर्व, जहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जो जीत मानी जाती है उसे काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। फिलहाल मैं हूँ अभी व्यापारी संघ भिलाई सेक्टर 7 के एरिया में, जहाँ हर साल यहाँ पर रावण जलाया जाता है। काफ़ी वर्ष हो गया यहाँ पर रावण जलाते हुए। यहाँ देख सकते हैं कल के डेट में ये रावण जलना था, फिलहाल यहाँ पर जो बरसात हो गई है उस वजह से थोड़ा सा डिले हो चुका है। ये पूरी स्थिति का मैदान का आपको पूरा जायज़ा दे दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ यह मैदान है, और यहाँ पर अभी थोड़े ही देर बाद काफ़ी भीड़ भी हो जाएगी, जो आपको हमारे ब्लॉग के माध्यम से देखने को मिलेगा। यहाँ पर जय श्री राम के नारे भी गूंज उठेंगे। और फिलहाल क्या क्या स्थिति है, क्या क्या माहौल है, क्या किस तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोग्राम होने वाला है, हमारे 4Q ब्लॉग के माध्यम से आज आपको यहाँ की स्थिति की जानकारी मिल जाएगी। दिखाते हैं पूरा अंदर का माहौल। काफ़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आतिशबाजी का भी कार्य किया जाता है। काफ़ी पुराना यहाँ पर खेल खेला जाता है, जो रावण का जो दहन होता है दोस्तों, यहाँ पर आतिशबाजी के साथ में पूरा इंटरेस्टिंग माहौल बन जाता है, और पूरी आतिशबाजी का यहाँ पर नज़ारा भी आपको हमारे ब्लॉग के माध्यम से मिलेगा। फिलहाल जैसा कि मैं आपको बता दूं, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि इस प्रकार से नई एक से बढ़कर एक वीडियो हम आपको आप तक पहुँचाते रहें। तो फिलहाल दिखाते हैं पूरा अंदर का माहौल। तो गाइज़ यहाँ पर ये सब जो देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, ये पूरा आतिशबाजी का यहाँ पर पूरा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी यहाँ पर फायर वर्कर्स लगे हुए हैं और एक से बढ़कर एक आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। आज चलते हैं अंदर ग्राउंड के अंदर और देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आतिशबाजियों का खेल खेला जाएगा, दिखाया जाएगा पूरा यहाँ पर माहौल, क्या क्या बने हुए हैं, सारी स्थिति का दिखाते हैं जायजा। गाइस सबसे पहले यहाँ दिखा दूँ, ये जो देख सकते हैं पुतला जो है मेघनाथ का है, और यहाँ पर रावण के साथ में लेफ्ट राइट में दो पुतले लगाए गए हैं। फिलहाल ये मेघनाथ का पुतला है, मैंने एक मेघनाथ के पुतले का तो नाम ले दिया, और साइड में जो है लेफ्ट में जो लगे हुए हैं इनका आप नाम जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि रावण के लेफ्ट में कौन से पुतले को लगाया गया है। इनका नाम तो आपको सभी को मालूम ही होगा, लंकाधिपति रावण, ये बीचों बीच खड़े हुए हैं। ऐसा है यहाँ का नज़ारा, देख सकते हैं तीनों पुतले यहाँ पर खड़े हुए हैं, बीच बीच हैं रावण, और साइड में हैं यहाँ पर मेघनाथ जी, और बाजू में हैं जिनका नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, श्री राम के साथ में कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर बताइए। देख सकते हैं अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर इस प्रकार से जो है बड़े बड़े चक्रे लगाए गए हैं जिसमें आतिशबाजी होगी। गाइस काफ़ी यहाँ पर लगे हुए आतिशबाजी, और एक एक करके आपको दिखाया जाता है पूरा यहाँ का। दिखाते हैं क्या क्या लगा हुआ है, और कौन साथ देगा हमारा दिखाने के लिए, तुम दोगे साथ, चलो फिर बताते जाओ हमारे दर्शकों को। देख सकते हैं ये मेरे ख्याल से वेलकम गेट लगाया गया है यहाँ पर, जब आतिशबाजी की शुरुआत होगी यहाँ पर। किस प्रकार से शुरुआत होगी यहाँ पर? सबसे पहले इसको जलाया जाएगा जब पब्लिक पूरी आएगी, ये नेम गेट है, फिर उसके बाद वो है झरना बिन बादल बरसात, बिन बादल बरसात, और ये झूला देखा जा सकता है। तो इसमें कौन झूलेगा, आप झूलोगे? तो नज़दीक चलते हैं ना, नज़दीक से दिखाते हैं एक एक करके, है ना। देख सकते हैं ये झूले का पूरा वर्क बनाया गया है, और ये गोल गोल घूमेगा, मेरे ख्याल से इसमें ब्लास्टिंग भी होगा। ब्लास्ट तो नहीं होगा, पर ये गोल गोल घूमेगा, टोरा टोरा टाइप का घूमेगा, टोरा टोरा घूमेगा, टोरा टोरा। क्या बात है, कितनी मेहनत की हो इसमें बताओ, बहुत हाथ बैठ के कितनी मेहनत की हो, बहुत मेहनत की हो। यहाँ सबसे अच्छी चीज है वो यहाँ नागिन, नागिन, नागिन। तो तुम लोग यहाँ कितने दिनों से तैयारी हो जाती है यहाँ के लिए, तैयारी जो आप करते हैं लगभग कितने समय से हो जाता है? अपन यहाँ 15 दिन अपनी तैयारी रखते हैं, अपन 2 दिन पहले यहाँ आते हैं, अपनी तैयारी कम्प्लीट करके जाते हैं, पूरी डेकोरेशन सेटअप बना लेते हैं, 10-8 दिन अपने उपयोग में ले आते हैं अपने काम में। लगभग इसको खड़ा करने में कितना समय लग जाता है? 2 घंटा कम से कम, 2 घंटे, 2 घंटे कम से कम। यहाँ 11 से 12 आइटम है, हाँ, तो 11 देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े शॉर्ट लगाए गए हैं इस प्रकार से। ये पूरे शॉर्ट का जो देख सकते हैं वायरिंग के साथ में यहाँ पर, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर बैटरी की मदद से पूरा फायरिंग किया जाता है, और काफ़ी खूबसूरत शॉर्ट होने वाले हैं इस प्रकार से। मैं दिखा दूँ आपको कि पूरी जानकारी दे दूँ, यहाँ पर लगभग 150 से ऊपर शॉट्स है यहाँ पे, और 150 के बाद में यहाँ पर जो कंटिन्यू जो शॉट्स फूटते हैं उनके जो काउंट हैं वो अलग है गाइज यहाँ पे, और इस प्रकार से पूरा यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है। ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत होने वाला है आज का माहौल। समझ गया,
स्टार्ट सनराइज यहाँ पर देख सकते हैं आप। बस कुछ ही क्षण में आपको ये, कुछ ही सेकंड में आपको ये दिखने वाला है, देख सकते हैं। ये देखिए काफी देख सकते हैं कितना बेहतरीन शॉट था ये, जबरदस्त शॉट पे ही शॉट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। भी खूबसूरत तरीके से पहले शॉट का यहाँ पर शुरुआत कर दिया गया है, उसके बाद अभी पूरे शॉट्स बचे हुए हैं और काफी धूम मचने वाली है जय श्री राम के नारे के साथ में यहाँ पर अभी। सो गाइस जो आतिशबाजी आपने अभी देखा, ये विजयदशमी पर्व पर मनाया जा रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं। काफी खूबसूरत आतिशबाजी आपने देखी यहाँ पर। सो गाइस काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद में अब वो घड़ी आई गई है, देख सकते हैं रावण का यहाँ पर जो है दहन किया जाएगा, लंकाधिपति रावण का यहाँ पर दहन किया जाएगा। फिलहाल गाइस अभी ये वाला जो है आतिशबाजी वो चालू होने वाला है, फिलहाल अभी इसको देखना गाइस ये कैसे काम करता है झांकी, इसको देखो गाइस। उसके बाद ही राज